हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका माइग्नो सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एमपीएससी की सेकंड ईयर के सॉल्ड असाइनमेंट। सो गाइस, यहां पे जो आपका सब्जेक्ट का कोड है वो है 005 स्टेट एंड सोसाइटी इन अफ्रीका। यहां पे स्टेट एंड उसकी सोसाइटी के बारे में बताना है हमको कि अफ्रीका में किस तरह की सोसाइटी थी, वहाँ के लोग कैसे थे। सो ये जो असाइनमेंट है ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट जो है हमारी वो है www.myignosolutions.com। सो ये जो असाइनमेंट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइडेड जिन्होंने 2019 के दिसंबर एंड 2020 के जनवरी के बीच में एडमिशन लिया है इग्नू में। सो यहाँ पे जो हमारा सॉल्ड असाइनमेंट है वो 2019 टू 20 के सेशन के बीच वाला है। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी असाइनमेंट की ओर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो हमारा असाइनमेंट है एमपीएससी 005 स्टेट एंड सोसाइटी इन अफ्रीका। सो यहाँ पे हमारे असाइनमेंट की जो पीडीएफ है वो हमने रेडी कर रखी है। इसमें जो हमारा असाइनमेंट है वो है 100 मार्क्स का। देन यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कुछ नोट्स दे रखा है कि बच्चों को थोड़ी हिंट मिलेगी किस तरह से हमें आंसर को लिखना है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, मतलब आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं बेसिकली इसमें। तो हमें इसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं एंड सेक्शन इसमें 2 हैं, सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 में से चाहे आप 2 करिए या 3 करिए, बाकी जो बचेंगे, मतलब अगर आपने सेक्शन 1 में से 2 किए हैं तो आपको सेक्शन 2 में से 3 करने पड़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर 500 वर्ड्स में लिखना है एंड जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स कैरी करता है। जितने भी क्वेश्चन हैं इस असाइनमेंट में वो सारे क्वेश्चन 20 मार्क्स कैरी करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 1 जो है उसमें क्वेश्चन 1, असेस द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनिज्म एंड पॉलिटिकल्स एंड सोसाइटी इन अफ्रीका। सो आपको यहाँ पे बताना है कि अफ्रीका में किस तरह की सोसाइटी थी, वहाँ पे किस तरह की पॉलिटिक्स चलती थी, पॉलिटिशियन कैसे थे वहाँ के, वहाँ पे कॉलोनिज्म किस प्रकार का चलता था। तो वहाँ पे आपको आंसर लिखना है 500 वर्ड्स में। आपको आंसर ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि मार्क्स तो आपको उतने ही मिलेंगे जितने इसमें दे रखे हैं। अगर आपने 500 वर्ड्स का आंसर लिखा है तो आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे, उसमें आपके वर्ड्स मैटर नहीं करते, उसमें जितना आपने मटेरियल करा है वो मैटर करता है। सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। सो हमारा क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका। सो यहाँ पे हमें अफ्रीका की कॉलोनाइजेशन के बारे में बताना है कि वहाँ पे किस तरह का कॉलोनाइजेशन था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की सोसाइटी के बारे में आपको बताना है। आप यहाँ पे कंपेयर करके बता सकते हैं सोसाइटी के बारे में। सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए कि किस तरह का हमने आंसर जो है आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखा है एंड आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। देन स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन 3 जो है वो है हमारा, डिस्क्राइब द मेजर चैलेंजेस ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन इन अफ्रीका। मतलब वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस सामने आए लोगों के नेशनलिज्म को लेके और इंटीग्रेशन जो है इन अफ्रीका में। तो यहाँ पे जिन जैसे लोगों ने लड़ाई लड़ी अपने राइट्स के लिए वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, जो भी इकोनॉमिक एंड कल्चर जो भी चीज़ें रही हैं वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। देन अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए हमारा जो सेक्शन 2 है उसमें से हमने क्वेश्चन 6 लिया है। हमने ऊपर के सेक्शन 1 में से 3 क्वेश्चन किए हैं तो हमारे बच्चे हैं 2 क्वेश्चन, क्योंकि हमें 5 करने थे तो हमने इसमें से क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 किया है। सो क्वेश्चन 6 का ए जो है हमारा ए पार्ट है उसमें हमें 250 वर्ड्स में आंसर लिखना है। सो ए पार्ट क्या है हमारा, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन अफ्रीका। मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में लिखना है कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसका रीज़न क्या था, लोगों ने किस तरह का उसमें मतलब क्या प्रोसेस था, वो सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी है, लेकिन 250 वर्ड्स में ही लिखना है, ना उसे कम होना चाहिए ना उसे ज़्यादा होना चाहिए। देन इसका 6th क्वेश्चन का बी पार्ट है हमारा, ऑथोरेशन रेगमाइंस इन अफ्रीका। मतलब ऑथरिज के बारे में लिखना है आपको कि किस तरह की वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, किस तरह का वहाँ पे कल्चर, मतलब पॉलिटिशियन किस तरह के थे वहाँ पे एंड जो लोगों ने स्ट्रगल किया वो किस तरह का था। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है बिग पावर इन्वॉल्वमेंट इन अफ्रीकाज पॉलिटिक्स। मतलब वहाँ पे पॉलिटिशियन जो थे उनके अंदर किस तरह की पावर थी, वो किस तरह मतलब एक दूसरे से लड़ाई करते थे, वो उनका जो लोगों पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता था, लोग किस तरह से मतलब प्रभावित होते थे, वो सारी चीज़ें इसमें आपको डिस्क्राइब करनी है इन 250 वर्ड्स। सो गाइस, आई होप कि आपको ये पीडीएफ या असाइनमेंट बहुत अच्छे लगे हों। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं एंड उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।